हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग माय YouTube चैनल। सो गाइस, राइट नाउ मैं सूरत में सलाउद्दीन भाई के इधर आया हूँ। इनका पर्सनल कलेक्शन है, तो अभी हम इंट्रोड्यूस करेंगे सलाउद्दीन भाई को ये वीडियो में। सलाम अलैकुम। सलाम भाई, हमें आपने हमें हर एक एक जगह लेके गए। ये सबसे लास्ट जगह आपका जो पर्सनल कलेक्शन है, माशाल्लाह ये वीडियो में लोगों को भी देख के ना खुशी हो जाएगी कि माशाल्लाह आपके जो कलेक्शन है पूरा व्हाइट का कलेक्शन आपने जो रखे हो जी। वो देख के माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग एकदम देख के खुश हो जाएंगे। पहले बकरे से स्टार्ट करते जी। सलाउद्दीन भाई, आपने इतने जगह बकरे दिए हो संभालने के लिए, तो सारे बकरे इधर क्यों नहीं रखे? एक्चुअली में क्या है, ये अपनी पर्सनली बिल्डिंग है। अच्छा। और यहाँ पे अपने बकरे रख नहीं सकते। अच्छा। क्योंकि इनकी आवाज ही देख लो। हाँ। अभी ये कोटा बकरा है। अच्छा। ये दो ही दिन से आया हुआ है, ठीक है। और आप देख सकते हो ये कितना एग्रेसिव बकरा है। अच्छा। तो इतना एग्रेसिव चीज जो हम रेसिडेंट रहते हैं उस जगह पे रख नहीं सकते। सही बात है। ये तो अपना एक शौक था और शौक अपने भाई ने बढ़ाया अपने लिए। अच्छा। तो वो शौक के खातिर अपनों ने थोड़ा सा एक छोटा सा आप देख सकते हो एक फार्म बनाया हुआ। अच्छा। है अभी आप डिटेल में सब बताएंगे तो लोगों को पता चलेगा। और खुशी भी, मतलब लोगों को देख के ना एकदम खुशी हो जाएगी कि एकदम बोलते ना टॉप नॉच क्वालिटी रखे हो आपने। जी। जितने भी बकरे रखे हो लिमिटेड रखे हो लेकिन सब टॉप नॉच क्वालिटी के रखे हो। यहाँ पे हम लोग पहले लाए थे। अच्छा। लेकिन उसके बाद में हमने धीरे धीरे करके सब बेच दिए मीन कुछ बेच दिए, कुछ अलग अलग जगह पे रखवा दिए। अच्छा। बराई पे भी है लेकिन सबसे टॉप क्वालिटी यहाँ पे रखे जी। मैंने पूरा कलेक्शन जो है मेरा व्हाइट कलेक्शन रखा है। अच्छा। आप देखोगे पूरा व्हाइट कलेक्शन ही है। रीजन क्या है? नायाब चीज है वही चीज रखी है हमने। अच्छा। रीजन क्या है ऐसा? रीजन तो कुछ भी नहीं है, बस मेरे को एक खूबसूरती का शौक है। अच्छा। तो मैं खूबसूरत चीज लेता हूँ और उसको रखता हूँ, बराई पे देता हूँ और बराई पे भी देता हूँ, हर चीज चलती है। मैंने देखा ना सब जगह माशाल्लाह, पब्लिक को देखने में भी बहुत मजा आएगी। सब बोलते ना टॉप नॉच क्वालिटी का, यहाँ वहाँ भी बकरे जो रखे आपने पलाई भरे पे जी। अभी देख लो ये कोटा है। अच्छा। हमने आसाराम भाई से मंगवाया था। अच्छा। कोटा जी। तो ये अभी दो ही दिन हुए इसको। अच्छा। आने को सेट हो गया ना जी? अभी अल्हम्दुलिल्लाह सेट भी हो गया है वो। आज नीला भी देख सकते हो कि आज नीला है, सुबह में इसको नीला है। अच्छा अच्छा। आप देख सकते हो क्वालिटी पूरा। अच्छा। व्हाइट बकरा है, खुला मार्बल है, सिंग भी मार्बल ही है, सिर भी मार्बल, गुलाबी है पूरा बकरा भी। ऐसा बकरा देखने नहीं मिलता सलाउद्दीन भाई, माशाल्लाह। आपको किसने सोर्स किया था बता रहे थे जी? आपको किसने ये बकरा सोर्स किया था आप बता रहे थे? ये अपने भाई है। अच्छा। और ये आसाराम भाई है अपने। अच्छा। के अंदर। अच्छा। उन्होंने भिजवाया, उनके वहाँ से ही हमने लिया भी। अच्छा। है। तो डिटेल वगैरह जो उन्होंने बताई थी सेम निकली है जी? सेम डिटेल है। अच्छा। और एक्चुअली में जो चीज उन्होंने बताई
जितना उन्होंने इसकी केयर लेके भेजा है, जो सीन को भी पूरा कवर किया था इन्होंने, सेफ्टी के साथ भेजा है, और जो चीज बताई थी वही चीज हमारे पास आई। अगर अपने पास फोटो वीडियो रहेगी कुछ दिखा देंगे वीडियो जी, मेरे पास फोटो है उसकी वहाँ से ट्रांसपोर्ट की भी, और जो हमने इसको खरीदी किया था वो। अच्छा, ये हाथ लगाने देता है, ये हाथ जैसे उसके पास से ही जाएंगे तो चिल्लाएगा। देखो ये, देख लो कितना एग्रेसिव होता है इसको। अरे बहुत एग्रेसिव है यार। और आज थोड़ी जरा हीटिंग भी है यहाँ पे, टेरेस का है, फोर्थ फ्लोर है ये। अच्छा, फिफ्थ फ्लोर के ऊपर टेरेस है ये। माशाल्लाह, ये आगे आने वाले दिनों में मेरे को लगता है सलाउद्दीन भाई ऐसा ही शौक लोगों का बढ़ते रहा तो आप भी माशाल्लाह बोलते ना एकदम थोड़ा खर्चा करके, और इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना और बाकी है यहाँ पे। अच्छा, और हमने सोचा है काफी कुछ करने के लिए। अच्छा, लेकिन थोड़ी बिल्डिंग्स की भी प्रॉब्लम है, सही बात है, थोड़ा हम सोच समझ के कर रहे हैं, सोच समझ के काम। सही बात है, और ज्यादा एग्रेसिव बकरे हम यहाँ पे लाते ही नहीं है। हमारी दूसरी क्वालिटीज जो अभी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगी। तो ये बकरा फॉर सेल के लिए सलाउद्दीन भाई? नहीं, ये सेल नहीं करना, नहीं सेल करना, सेल नहीं करना। यहाँ पे जितने भी बकरे रखे हैं वो एक भी सेल नहीं करना। ये मुझे लगता है 2021 का सबसे नायाब चीज देखा अभी तक का। आगे क्या हो सकता है क्या नहीं मालूम नहीं, लेकिन अभी तक का ये वीडियो जब तक आ रही है, दो ही रोज हुए अभी आने को हमारे को। अच्छा, दूसरा तीसरा रोज है। अच्छा, तो थोड़ा मुझे लगता है वेट थोड़ा डाउन हो गया क्योंकि ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा टूटा है, और ये बहुत थका हुआ था, बहुत थका हुआ बकरा था, थोड़ा डरा हुआ भी था और थका हुआ भी था। अभी तो राजा बन गया है। आप देख लो इसकी, ये देखो ये लोग, ये अगर बकरा छूट जाएगा ना तो ये सब पिंजरे में से। हमारे पास ऑडियंस बहुत सारी आई है। अच्छा, ये सारे घर के ही बच्चे। अच्छा, अगर ये छूट गया तो ये लोग कभी आएंगे नहीं। ये लोग तो क्या, तो सारा दिन दूसरे बकरे भी देख लेते। आप बाहर निकाल दो ना, चलेगा अच्छे अच्छे से दिखेगा। तो सलाउद्दीन भाई माशाल्लाह साफ सफाई भी बहुत काफी ज्यादा रखते हैं। सलाउद्दीन भाई आप खुद पर्सनली सब साफ सफाई वगैरह सब खुद करते हो ना? अच्छा, और खिलाई के लिए हमने मतलब हम खुद से सेल्फ खिलाते हैं। अच्छा, हम लोग तीन लोग हैं। हाँ, एक इरफान भाई करके है जो इम्तियाज भाई के भाई है, जो पिछली वीडियो में हमने बताया था। एक हमारे तबरेज भाई है जो पीछे, जो कैमरे से थोड़े बहुत शाय है, थोड़ा कैमरे से शाय रहते हैं, लेकिन एक्चुअली में मेन रोल इनका ही है। मेन रोल इनका है, ये बहुत ही हेल्प मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल है ये। अच्छा, क्योंकि इनकी बदौलत ही यूं समझ लो मैं ये कर पा रहा हूँ। इनकी बदौलत और कैसा डायरेक्ट घर पे आ जाते, फिर बाद में मालूम पड़ता है ये बकरे अपने आए कोटा ऐसा ही हुआ। मुझे इतना पता भी नहीं था ये यहाँ पे आने वाला है, लेकिन सीधा आके खड़ा हुआ। अच्छा, नहीं तो फिर यहाँ वहाँ पलाई के लिए चला जाता है। अरे कपड़ा खा रहा है। तो सलाउद्दीन भाई ये वीडियो बनाने का रीजन क्या है, मतलब लोगों को क्या मैसेज जाना चाहिए? देखो लोग आज क्या है कि लोग डरते हैं बकरा पालने के लिए। अच्छा, और मैं बता दूं कि सलाउद्दीन भाई रिसेंटली ये बकरेबाजी में आ चुके जी। मुझे ज्यादा वक्त नहीं हुआ ये टाइम, इसके अंदर लगभग मुझे 6-7 महीना ही हुआ है इसके अंदर ये फील्ड में। लेकिन एंकरेज करने के लिए भाई है, और भाई को और हमको एंकरेज करा है हमारे आरके में, जो आरके है, आरके गोल्ड फार्म फैसल भाई, फैसल भाई। अच्छा, उनके थ्रू ही हमने ज्यादा ये सब किया। अच्छा, जो क्वालिटी दिख रही है यार माशाल्लाह, बोलते ना एकदम टॉप नॉच। जितने बकरे रखे ना, कितने बकरे, 8-9 बकरे रहेंगे यहाँ पे? हाँ, 5 बकरे हैं अपने, दूसरा ये 6 बकरे हैं। हाँ, और 3 बकरी है, 3 बकरी अभी एक बच्चा दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, बच्चा भी बहुत नायाब है। अच्छा, वो बताएंगे धीरे धीरे। हाँ, एक एक करके बताए। तो फिर लोगों को ये वीडियो देख के क्या मैसेज लेना चाहिए, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यही चाहूंगा कि लोग सोचते हैं कि बकरा पालना कुछ इतना इजी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर करना चाहो तो कोई चीज हार्ड भी नहीं हो। अच्छा, और सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। मैं अभी आप देख रहे हो कि हम तीन लोग मिलके कर रहे हैं, और वन बाय वन करते हैं हम तीन लोग। सुबह में जो भाई आते हैं वो दवाई पिलाते हैं, उसके बाद में सिर्फ पत्ती अपना चारा खिलाते हैं बड़का, और वो चले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद दोपहर का वक्त मेरा रहता है जिसके अंदर मैं इनको अनाज खिलाता हूँ, और अनाज के बाद थोड़ा साफ सफाई क्लीनिंग। ये हमने प्लेग्राउंड बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, जिसमें मैं इनको पूरा एंजॉयमेंट करवाता हूँ। अच्छा, अच्छा, मैं खुद अपने हाथ से इनको एंजॉयमेंट करवाता हूँ। अच्छा, और जिससे इनकी काफी सेहत में तब्दीली आई। अच्छा, हाँ, इनकी सेहत में काफी तब्दीली इसीलिए आई क्योंकि इनको मैं जितना हो सकता है उतना प्ले करवाता हूँ। अच्छा, और अभी रिसेंटली 24 तारीख को ये बच्चा हुआ था, पति रहे ना जी, माशाल्लाह वो इसमें से घुस के आ जाता है, वो तो एक दूसरे के बारे में चलता ही रहेगा। हाँ, सलाउद्दीन भाई माशाल्लाह एकदम मतलब सिलेक्टेड क्वालिटी के बकरे रखे हो, लेकिन आदमी देखेगा ना तो तबीयत खुश हो जाएगी जी। तो इन फ्यूचर कुछ इरादा है आपको ये जी? सब हमारा बड़ा प्लान है। अच्छा, हमने सोचा है। अच्छा, देखो आगे
अल्लाह की मर्जी, हम करेंगे, हमारा पूरा बेस्ट है क्या? सही बात, ज्यादा करके अपने खसी रखे, यही एक अंडूले खाली, हाँ ये और हंसा, हंसा अपने पास, अपने पास जो हंसा बकरा है, दो बकरा है, वो अंडूले। अच्छा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि वो अंडूले, बिल्कुल उनके अंदर से स्मेल नहीं आती है और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर है वो बकरा। सही बात है, जो लोग सुनेंगे डाइट एकदम परफेक्ट वाला डाइट रहेगा मेरे हिसाब से, आप सुबह से लेके रात तक इनको क्या खिलाते हो? हम लोग तीन टाइम खाना खिलाते हैं इनको। अच्छा, सुबह में मैंने जैसे बोला कि हम बड़ का चारा खिलाते हैं। अच्छा, उसके बाद लोग प्रोटोन है, हाँ, और दवाई में भी देते हैं। अच्छा, हकीम चीची में से हम लोग ऐसी मंगाते हैं। अच्छा, जो इनके हेल्थ के लिए रहती है। अच्छा, ठंडी की कुछ चीजें, गर्मी आ रही तो उसकी कुछ चीजें अलग है। अच्छा, दाने के अंदर हम, हाँ, और अपना गांव है, अपना मक्का है, और सब मैं बता दूं कि एकदम तराजू में ये करके दो, हर चीज देते हैं, हमारा स्टोर रूम है पूरा। अच्छा, साफ सफाई से लेके हर चीज मैं खुद ही करता हूँ ये सब चीजों के अंदर। अच्छा, और मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना हाइजीनिक खाना हो इनके लिए, क्योंकि नो डाउट ये बकरे हैं लेकिन इनके अंदर भी एक जान है, और उस जान की वजह से एक अपना खुद का भी एक डाइट रहता है हर तरीके से। अच्छा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जानवर जो बेजुबान है, जो कुछ बोल नहीं सकते, सही बात है, तो उनको अपने कुछ ऐसा खिलाना है या ऐसा कुछ करना है जिस वजह से इनकी तबीयत में बिगाड़ो या इनकी खूबसूरती में बिगाड़ो, ये मैं नहीं चाहूंगा। अच्छा, तो इसलिए मैं अपनी तरीके से भी ट्रीट करता हूँ, कुछ गाइडलाइन यूट्यूब के ऊपर है वो देखता हूँ, कुछ अपने दोस्त लोग है जो उस्ताद लोग है उनसे भी कुछ कुछ चीजें मैं सीखता हूँ, और सीखते सीखते आज देख लो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बकरों की आज हालत क्या है। लेकिन आप लिमिटेड ही पालोगे ना, आपसे जितना हो सके यहाँ पे, मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं रखूंगा। अच्छा, क्योंकि हमने भरपाई पे मतलब भराई पे, हाँ, और पलाई पे दोनों हमने बहुत सारे बकरे दिए हुए अलग अलग जगहों पे, लेकिन खुद के पास रखने का एक अलग ही मजा है जी, वो मेरा शौक है और मैं शौक को बढ़ाना भी चाहूंगा, लेकिन एक रेसिडेंट के हिसाब से मैं एक लिमिटेड स्टॉक ही यहाँ पे रखूंगा और अच्छी चीज ही रखूंगा। चलेगा, तो सलाद में अपने एक एक करके अंदर बाड़ा भी देख लेते, क्योंकि बाड़ा भी आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा खर्चा करके एकदम बोलते ना एकदम अच्छे से बनाया। ये माशाल्लाह हंसा बकरा है जी, ये व्हाइट गुलाबी हंसा बकरा है, इसकी मैं फोटो लगा दूंगा, गाँव के आई थी, कुछ रीजन के लिए इन्होंने पीछे के बाल निकाल दिए क्योंकि वो ज्यादा ही बड़े हो जाते। ये नॉट फॉर सेल के लिए, कुछ भी नहीं यहाँ पे, कुछ भी फॉर सेल यहाँ पे कोई सेलिंग के लिए नहीं है। अच्छा, बकरी है अपने पास तीन, उसमें हंसा बकरी हमको नहीं देनी है। अच्छा, बाकी जो है वो दो देंगे, ये जो सोजत की है वो दे देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को ये बकरी लेने में इंटरेस्ट है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सलाउद्दीन भाई का नंबर डाल दूंगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो ये बकरी के लिए। ये बकरी दो बकरे हमेशा देती है जी, ये सिंह वाली बकरी जो छह दांत के ऊपर है अभी, हाँ, और इसने यूं समझ लो कि अपने तीन बार दांत दे चुकी है। अच्छा, और दो दो बकरे देती है ना हमेशा? ये हमेशा दो देती है, लास्ट टाइम भी दो ही दिए थे इसने। अच्छा, और इस बार भी देखो, अभी अल्लाह की मर्जी, उसमें तो क्या है वो तो आपने देख ही सकते हैं। और वो जो भारी बकरी है वो तबरेज भाई ने जो, वो भी छह दांत पर ही है बकरी, वो भी बेचने के जी, वो भी बेचना है। चलेगा, एक बार उसके ऊपर भी नजर, बच्चे के साथ बेचेंगे। अच्छा, सर इसको पकड़, 12 ही है अभी, 25 दिन ही हुए इसके अंदर। अच्छा, ये बच्ची है ना? हाँ, ये बकरी है इसकी, ये माँ है, ये दोनों एक साथ देने की है ना? हाँ, तबरेज भाई, हाँ सर, तो मैं ये दोनों एक साथ दे दूंगा जी, एक साथ देना, ये 25 दिन का बच्चा है। अच्छा, अभी हुआ है, आप देख सकते हो इसकी हेल्थ, ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बच्चा है, सिर्फ इसके होंठ के ऊपर एक डॉट है, डॉट है ब्लैक कलर का, बस उसके अलावा आप देख सकते हो। अच्छा, कहीं भी आपको ये, ब्लैक नहीं, ये दो ही चीजें फॉर सेल के लिए जी, ये दो ही चीज सेल के लिए, ऐसी मोहब्बत मिलेगी तो बकरा हंसते खेलते बन जाएगा। देखो माशाल्लाह, बच्चे लोग भी एकदम ये कर रहे हैं जी, बच्चे लोग भी पूरा दिन इनके पीछे खेल लेते हैं, थोड़ी सी भी मैंगनी वगैरह हुई यहाँ से तुरंत ही वो क्लीन करते हैं। और जो हरा वाला है उसने तो 140 किलो का बकरा का ये खाया है एक्सीडेंट में, बहुत फेमस हो गया है आपके चैनल से, बहुत ही फेमस। एक मैं हंसा बताऊंगा, चलो मैं वो हंसा दिखा देते लोगों को, वैसा हंसा शायद से ही किसी के पास हो सकता है, शायद से, अगर हो सकता है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं भी देखना चाहता हूँ। ये हंसा देख लीजिए, इसके जो काला धब्बा है ना वही उसे यूनिक बना देता है, माशाल्लाह, बहुत ही यूनिक चीज है, बहुत रेयर दिखेगी आपको ये,
हंसा तो बहुत होंगे लेकिन इस तरीके का जो हंसा है वो ये अदांत है ना? जी अदांत है। हमारे पास जितने बच्चे हैं वो सब अदांत है। अच्छा, 11 महीने के ही सब बच्चे। आप ये जितने भी बकरे देखोगे, 5 बकरे हैं हमारे पास, सब 11 महीने के आसपास के ही बकरे। तो सलादुन में आपने जब परचेसिंग की रहेंगे काफी चुन चुन के की रहेगी ना? जी, इसके अंदर क्या है, ज्यादातर परचेसिंग जो भाई करते अपने, ज्यादातर परचेसिंग वही करते हैं। सिर्फ मैं यहाँ पे अपना कह देता हूँ। माशाल्लाह क्या क्वालिटी यार। और फीडिंग के अंदर आप देख सकते हो, ये फीडिंग में भी काफी अच्छा देते हैं ये। खिलाने पिलाने के मामले में गेहूं है, मक्का है, चने का छिलका है, इसके अंदर सोयाबीन भी है। तो ये आप मौसम के हिसाब से बदल जाते हो फिर एक ही रखते हो? नहीं, मौसम के हिसाब से चेंज करेंगे अभी। अच्छा, हम और ये नीचे मुझे तो रिसेंटली ऐसे देखो तो 6 महीना हुआ है। तो अभी तो हम इसको ठंडी के, जब भी अभी जितना भी महीना हुआ सब ठंडी के अंदर ही सीजन गया। सही बात। तो अभी तक हमने ठंडी का सीजन का ही जो खिलाया। और माशाल्लाह अभी कुछ चेंज करेंगे इसको। और माशाल्लाह आपके सूरत वाले भी काफी हेल्प करते, मैं देखा था आपको जी, कि हमें, मैं आपको बोला कि काफी उस्ताद जो है यहाँ पे सूरत के बड़े बड़े वो हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी है या तो, और होनी भी नहीं चाहिए, वो अलग उनका मैटर, अलग एक फील्ड होता है, सबका एक तरीका होता है। वैसे तो अभी चौक बाजार में गए थे तो लाइन से मोबाइल की दुकानें थी जी। तो मार्केट देख लो हमारा सूरत में कपड़ा मार्केट है जहाँ पे लाखों की तादाद में दुकान है और एक ही चीज बेच रहा है, एक के बाजू में एक, लेकिन सबका चलता है। तो अल्लाह ताला है, किसी का भी चलाएगा और ये तो सुन्नत नबी है। सही बात है, तो चलना ही। तो सूरत में ये नीचे क्या डाले, भूसा डाले या फिर रेती डाले? नहीं, ये हमने भूसा डाला था। अच्छा, क्योंकि ठंड ज्यादा थी अभी। अच्छा अच्छा, अभी गर्मी की सीजन स्टार्ट हो गई, अभी हम रेती लाने वाले हैं। रेती ना जी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा जी। बारीक रेती होगी, वो लाएंगे हम इसको। अच्छा, और ये जो नेक्स्ट बाड़े में ये कौन सा बकरा है? सोजत। ये सोजत है। माशाल्लाह क्या क्वालिटी लाएगा। ये आया हुआ था तब बहुत छोटा था। अच्छा, बाहर निकाल देगा तो खिलते बैठेगा ना? अरे ये बहुत एग्रेसिव है, लेकिन अभी थोड़ा लाड़ प्यार में, थोड़ा समझ लो कि इसको लाड़ प्यार ज्यादा मिल गया। अच्छा, थोड़ा खस्सी बकरा, खस्सी है ना जी। डरता नहीं है बाकी, हो अंडुल को भी नहीं डरता हो? हाँ, माशाल्लाह सारे बकरे एक साथ में। तो सलाद में सारे बकरे माशाल्लाह एकदम खेलते रहते हैं जी, ये आपको देखेंगे हमेशा खेलते ही रहेंगे। हाँ, और यूं समझ लो बहुत लाड़ में पले हैं। अब जो इनकी पलाई है बहुत लाड़ से पल रही है। अच्छा, कोटा को भी लाड़ से पालेंगे अभी? कोटा को तो अभी देखेंगे हम, उसको लाड़ करने लायक है या नहीं है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस हिसाब से अभी वो मस्ती कर रहा है जी, हाथी नहीं लगाने दे रहा है सलाउद्दीन भाई। हाथी लगा था, जैसे इसके करीब तुरंत ही चिल्लाता है। उधर से जाओ जरा, चलो मैं उधर से जाऊँ ना। जाओ, इतना माशाल्लाह एक्टिव रहता है ना वो, बराबर समझ में आता है। अभी मैं भी इधर आया ना तो देखेंगे, बराबर आएगा मारने के लिए। इसके करीब से भी गुजरोगे तो तुरंत पलटी मारेगा। अच्छा, तो आपने सेफ्टी के लिए ऊपर कुछ बांधे नहीं अभी? बांधा था लेकिन अच्छा, आज सुबह ही इसको निलाया गया। अच्छा, उसके लिए निकाल दिया। आज वीडियो भी करना था, अरे सोचा कि थोड़ा अपने बाहर दिखा देते। सही बात है, क्वालिटीज देख सकते हो आप इनकी। आज बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, पब्लिक भी ज्यादा आई है ना? पब्लिक भी ज्यादा है और थोड़ी गर्मी भी ज्यादा है। सही बात है, वीडियो बनाने के लिए अपनों ने फैन भी बंद किया हुआ है। नहीं, सही बात है, वो आवाज गूंज जाती है इसके लिए। मैंने पूरा यहाँ पे केयर लिए ताकि बकरों को गर्मी के हिसाब से भी पंखे भी रखे हुए हैं और बढ़ाने वाला हूँ पंखे की। अच्छा, कूलर लगा दो एक, वो भोपाल में काफी सारे लोगों के पास देखता था। ये पर्दे मैंने इसलिए लगाए थे, यहाँ पे ठंड की सीजन में हमारी जो बिल्डिंग है वो चारों तरफ से खुली है। अच्छा, बिल्कुल सेंटर के अंदर हमारी बिल्डिंग। अच्छा, तो हवा यहाँ पे हर तरफ से हवा आ रही है। फाइनली हमने बनवा के हमको जो 4 महीने पर्दे से बहुत सेफ्टी हुई हमारी। अच्छा, ये 4 माह के सलाद में और कुछ कहना चाहोगे? बस आप देख सकते हो क्वालिटी हर चीज की, खूबसूरती। क्योंकि माशाल्लाह आपने अभी तो इनको हमने नहलाया भी नहीं है। नहीं ना, सिर्फ ये हंसा जो बकरा है गुलाबी, इसी को हमने नहलाया, बाकी कोई बकरे को नहलाया भी नहीं। और उसके ये आप देख सकते हैं। अच्छा, और ये कोटा को नहलाया सुबह, दो ही को नहलाया क्योंकि ये अभी अभी आया था, पूरा गंदा हो गया था। गंदा भी था,
पूछा कैसी जगह सही बात नहलाना बहुत बेटर है सही बात नहलाने के बाद इसकी एक्टिविटी और कुछ ज्यादा ही हो गई सही बात है तो फ्रेश हो गया नहाने के बाद बिल्कुल फ्रेश हो गया और आज उसका अभी थकावट भी खत्म हो गई इसको हाँ और दो दिन से थकान पहले रोज आया था तो बैठ भी नहीं पा रहा था हाँ सही है क्योंकि उसके पैर में काफी थकान वो टेम्पो में आया था ना इसके वजह से लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हो चलने में भी और भागने में भी एक्सपर्ट है तबरेज भाई कैसे लगे बकरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बकरे माशाल्लाह फर्क आया कुछ ट्रेन में से आप लेके आते हो तो आपको मालूम रहेगा ना आपने उस दिन मार भी खा लिया था ये बकरे का इससे घड़ी भी मारी थी मुझे मैं अभी फर्क में था अभी दो दिन जो इतना भी मालूम नहीं पड़ेगा अच्छा, लेकिन कम हुआ है ना वजन उसका जी वजन कम हुआ और लेकिन एक्टिविटी में अच्छा एक्टिविटी में तो वैसा ही जैसा मैंने उसको पहली बार हाथ में पकड़ा था वैसा ही मारा है ना अभी तो आते आते जाना एक काम कर रहा भाई हाथ लगा उसको हाथ लगा चलो तो सलादी में वीडियो हम यही एंड कर देते बिकॉज काफी बड़ी वीडियो हो गई है माशाल्लाह माहौल भी ऐसा बन चुका है कि इसके आगे वीडियो कंटिन्यू करना सही नहीं रहेगा इसका नाम हमने चमकू दादा रखा था अच्छा क्योंकि ये बहुत चमकता था ये बकरा लेकिन आप देख सकते हो आज ये हाथ लगाने देता है इसके करीब से भी जब ये कोटा जैसा भी इसके तो आवाज देता है इसी तरह से चमकता था अच्छा लेकिन आप देख सकते हो हमारे लियार प्यार ने इसको क्या कर दिया आज ये बिंदास खड़ा रहता है हमारे पास क्लीनिंग करता हूँ मैं रोज इनकी सही बात और वीक के अंदर एक बार ब्रश लगता है और रोजाना इनकी नोज वगैरह क्लियर करता हूँ मैं अच्छा जितना हो सकता है मुझसे अच्छा उतना मैं क्लीनिंग रखता हूँ सही बात है तो सलादीन भाई वीडियो हम यही एंड कर देते हैं बिकॉज काफी बड़ी और अच्छी वीडियो बन चुकी है तो सलादीन आपका जजाक अल्लाह आपका बहुत जजाक अल्लाह माशाल्लाह इतनी हॉस्पिटैलिटी इतनी मेहमान नवाजी के मामले में आपने एक रुपए की कभी कमी नहीं छोड़ी है जी। और मुझे खुशी हो गई आपने इतना आपका कीमती वक्त निकाला और मुझे सारी पूरा सूरत में बहुत अच्छे अच्छे बिजी शेड्यूल था अच्छा लेकिन उसके बावजूद भी आप आए हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हमें अच्छा जहाँ जहाँ भी गए वहाँ मेहमान नवाजी आप भी जानते हो कि हमें किस तरह से इनवाइट किया सही बात है सारे बाड़ों के अंदर हमें बुलाया अच्छे अच्छे खासे नामचीन बड़े बड़े बकरे दिखाए अभी शूट करना तो सही नहीं है अभी कुछ चीजें छूट गई है लेकिन वो आप भी सोच सकते हो और आपको भी पता है कि अभी ये वक्त नहीं है सही बात है कि कोई अपनी चीज बताएगा अच्छा। अभी कुछ वक्त बाकी है जो रमजान के बाद का बकरीद से थोड़ा पहले का वक्त रहेगा उस टाइम आप इंशाल्लाह एक बार फिर आना सही बात चले आ जाएंगे और वैसे ही विजिट करेंगे जैसे इस बार हमने की और अच्छी से विजिट नहीं लेकिन आपका भी और तबरेज भाई का दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बिकॉज आपने दोनों ने हॉस्पिटैलिटी मेहमान नवाजी में ना मुझे कुछ कभी नहीं होने दी और हर जगह लेके गए हर सही टाइम पे मुझे घुमाते रहे और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और भी अपने अच्छे से आप आओ इंशाल्लाह मैं दुआ यही करता हूँ कि ये थोड़ा जल्दी फार्म अच्छे से बन जाए कि आने वाले दिनों में इधर बैठ के झूला में झूल सकूं काफी बाकी है अच्छा काफी वक्त हमारा यहाँ पे बाकी है और भी देना सही बात लेकिन फिलहाल हम अभी कुछ लेकिन करेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत कुछ करेंगे चलेगा थैंक यू शुक्रिया बाय बाय ले लो फिर फुल एंजॉयमेंट चल रहा है यहाँ पे ये माहौल में मजा आती है बनाने वीडियो बाबू बाकी हेड्स ऑफ है तूने बहुत और क्या और क्या शेयर और शेयर शेयर करने हाँ सब करेंगे ऐसा मैं एक जगह पे खड़ा रहेंगे तो एक जगह पे लेके अच्छे से बोल लाइक कर देना शेयर करके कमेंट में बता देना क्या हुआ क्या नहीं हुआ और सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा देना चलेगा थैंक यू